गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसएससी जेई मेंस 2023 के क्वेश्चन पेपर को हम डिकोड कर रहे हैं अलग अलग पार्ट्स में। अभी तक हमने क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं उनकी संख्या 38 है। 29 क्वेश्चन जो थे वो एजर्सन रीजन और स्टेटमेंट को थे मिलाकर थे, और 9 क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल के डिस्कस किए थे। इस वीडियो में 31 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि बेसिक क्वेश्चन हैं सिविल इंजीनियरिंग के इस पेपर में, मेन्स के पेपर में पूछे गए हैं। और ये मैं मानता हूं कि जब आप इसकी प्रिपरेशन करें तो ये 31 में एक भी क्वेश्चन गलत ना होने की आपका एफर्ट होना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी है कि 29 आपके सही होंगे, तो फिर भी गलत हो जाएंगे क्योंकि एक ह्यूमन एरर अकर करती ही है आप कितनी भी कोशिश करें। खैर, पहला क्वेश्चन है एच पर IS 456/2000 फॉर अल्टीमेट लिमिट स्टेट द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी असाइंड फॉर कंक्रीट। अब आप इमेजिन करिए मेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जबकि प्री में भी ऐसे क्वेश्चन आना अब लगभग बंद हो गए हैं। किसी किसी पेपर में पूछ देते हैं, जनरली कुछ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल रहने ही वाले हैं, उनको आप ये नहीं सोच सकते कि आएंगे नहीं। 100 क्वेश्चन का अगर कोई पेपर आता तो सिंपल क्वेश्चन आएंगे उसमें 20-25, उन्हीं की तरीके से। तो ये 1.5 होगा, अगर स्टील पूछा जाता तो 1.15 होता। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इट इज फाउंड दैट द वेट ऑफ लिक्विड इज 15 न्यूटन विच मेजर 6 लीटर्स, कैलकुलेट इट्स स्पेसिफिक वेट। अगर बाई चांस इसकी डेफिनेशन आपको नहीं पता है तो यहाँ पे यूनिट देखिए न्यूटन पर मीटर क्यूब है, और ये आपको वेट दिया है पर मीटर क्यूब, लीटर को बदलना है। अगर याद नहीं रहता है कि 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं तो थोड़ा सा कॉन्शियसली व्यवहारिक तल पे सोचिए, 1 मीटर क्यूब बनेगा कैसे? 1 मीटर × 1 मीटर × 1 मीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिला के बनेगा। और 1 मीटर कितना होता है आप समझिए ना, 1 मीटर कितना होता है। और उस हिसाब से अगर आप एक पॉन्ड बनाएं तो 1 मीटर की ऊंचाई, 1 मीटर की चौड़ाई, उसमें कितने लीटर पानी आएगा? तो ये जो फार्मूला होता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, वो आपके दिमाग में फिट कैसे हो, उल्टा ना हो जाए, 1 लीटर में 1000 मीटर क्यूब ना कर जाए आप, तो उसका ये तरीका है। तो वही है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, और अगर उस हिसाब से आप करेंगे तो 15 न्यूटन/6 लीटर को बदल देंगे, 10^-3 हो जाएगा, 10^-3 ऊपर चला जाएगा तो 10^-3 हो जाएगा, 6 का भाग करेंगे तो 25 छक्का 150 होता है, 1 जीरो खा जाएगा तो 2500 न्यूटन/m³ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच रिडक्शन इन द वाटर कंटेंट विल नॉट काज ए डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास नोन एज आगे ऑफ सॉइल सैंपल, क्या बोलते हैं इसको? देखिए ये फिगर तो आप सब लोगों ने देखा ही है, इस तरीके से ये फिगर आप सब लोगों ने देखा है। तो ये जो लिमिट होती है ये श्रिंकेज लिमिट होती है, ये लिमिट क्या होती है? श्रिंकेज लिमिट होती है। ये प्लास्टिक लिमिट होती है, लिक्विड लिमिट होती है। इधर स्टेट लिक्विड स्टेट होती है, प्लास्टिक स्टेट होती है, सेमी सॉलिड स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट होती है। इतने हिस्से में वेरिएशन वॉल्यूम में होता है, इस हिस्से में वेरिएशन नहीं होता, ये वॉल्यूम है। और ये एक तरीके से जो भी लिमिट है वाटर कंटेंट के हिसाब से वो यहाँ पे लिमिट मेंशन की जाती है। इससे रिलेट करके 4 क्वेश्चन बनते हैं। कौन से? जो लिक्विड लिमिट होती है वो किस स्टेट को किस स्टेट से अलग करती है? लिक्विड स्टेट को प्लास्टिक स्टेट से अलग करती है। जो प्लास्टिक लिमिट होती है वो किस स्टेट को किस स्टेट से अलग करती है? प्लास्टिक स्टेट को सेमी सॉलिड स्टेट से अलग करती है। जो श्रिंकेज लिमिट है किस स्टेट को किस स्टेट से अलग करती है? सेमी सॉलिड स्टेट को सॉलिड स्टेट से अलग करती है। श्रिंकेज लिमिट के पीछे की तरफ चलें तो वॉल्यूम क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है। वही ये क्वेश्चन कह रहा है कि किससे, मतलब अगर हम और वाटर कंटेंट रिड्यूस करेंगे क्या चीज नहीं बदलेगी? वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास नहीं बदलेगा। तो ये लिमिट कौन सी है? ये लिमिट श्रिंकेज लिमिट है। आई होप अब चीज क्लियर हो गई होगी। करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट इज, जो मेजरमेंट किया जाता है एक्सपेंशन ज्वाइंट के लिए वो मीटर में किया जाता है, जिसे हम रनिंग मीटर बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। बहुत ज्यादा कहीं कहीं डिस्कशन नहीं है तो उसको नहीं डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ वॉल्यूम बैचिंग फॉलोड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट कंक्रीट जनरली द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज कंसिडर्ड एज। वॉल्यूम m/vd फार्मूला आपने पढ़ा है, मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम निकालेंगे तो मास अपॉन डेंसिटी होगी। 1 बैग ऑफ सीमेंट का मास 50 होता है, डेंसिटी 1440 होती है, भाग कर देंगे तो आपको मीटर क्यूब में अंतर आएगा। लीटर में बदलना है, 1 मीटर क्यूब में हमने बताया 1000 लीटर है, गुणा कर देंगे तो 35 अंतर आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम लेंथ ऑफ ए टंग रेल इन केस ऑफ ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक इज। इसमें अलग अलग आंसर आपको मिल जाएंगे लेकिन करेक्ट ऑप्शन है 3660।
3660 mm, जिसका मतलब हुआ 3.66 मीटर, तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच पॉलिश इज ए टाइप ऑफ विच इज यूज टू हाइड द ग्रेन डिफेक्ट्स ऑन हार्डवुड सब्सटेंसेज। फ्रेंच पॉलिश जो है वो स्प्लिट वार्निश होती है, करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। अब यहाँ पे ये आया कि जैसे ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि शायद पॉसिबली ये आपके ईएससी प्री में ना मिले, लेकिन गुप्ता एंड गुप्ता में भी हो जाए। तो अगर ऐसे क्वेश्चन है तो इनका सोर्स क्या है? जैसे अभी हम सिंपल है, इसमें 31 में आप 25:6 जाएगा रेशियो, या 26:5 जाएगा, जो 5 अननोननेस दे देंगे हमारे ईएससी प्री के वन लाइनर, गेट के वन लाइनर और गुप्ता गुप्ता के वन लाइनर के अतिरिक्त 4-5 क्वेश्चन निकलेंगे इसमें। वो क्वेश्चन कहाँ? तो मैं आपसे कहूंगा कि इन क्वेश्चन का जो सोर्स है, जो लैंग्वेज लिखी है, क्वेश्चन का जो सोर्स है इन पुस्तकों के अलावा जो है वो यूपीपीसीएल जेई के क्वेश्चन, आरएस राजस्थान के जेई के क्वेश्चन, जेके ट्रिपल एस बी के क्वेश्चन, डीडीए जेई के क्वेश्चन, डी ट्रिपल एस बी जेई के क्वेश्चन, इनका कंपाइलेशन ज्यादा है अगर क्वेश्चन के एस्पेक्ट में देखा जाए। तो अगर उनके अलावा ये अगर आप और कर लेते हैं तो बात ही अलग हो जाएगी, लेवल ही अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन स्प्रिट वार्नेस। इन सैचुरेटेड सॉइल्स द इनिशियल कंसोलिडेशन इज मेनली ड्यू टू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल कॉन्सियसली अगर आप देखें, नहीं भी अगर आपको याद है तो आप समझ जाएंगे। जब इनिशियल कंसोलिडेशन होगा तो कंप्रेशन ऑफ एयर इन वाइड्स तो नहीं होगा, एक्सपल्जन ऑफ एयर इन वाइड्स भी नहीं होगा, ये कंप्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स होता है, तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ नॉइस, निम्न में से नॉइस का इफेक्ट क्या नहीं है? नॉइस की वजह से हियरिंग लॉस होता है, स्लीपलेसनेस होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, फ्लोरोसिस फ्लोराइड कमी से होता है, जिससे बोन्स आपकी कमजोर हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। इसके बाद है, सिलेक्ट द एयर पॉल्यूटेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। हमने कल एक पोस्ट डाली थी टेलीग्राम पे जिसमें प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट की लिस्ट दी थी। सेकेंडरी में वो जोन है फोटोकेमिकल स्मॉग है, पैन है, हेलोजन जो आता है ये प्राइमरी में आता है, हेलोजन जो आता है ये प्राइमरी में आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिकेंस फार्मूला यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पीक रेट ऑफ रन ऑफ क्यूपी। ये क्वेश्चन बदल के भी अगर आएगा तो ये आएगा, कौन सा फार्मूला इस तरीके से ऑप्शन दे दिया, नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा प्रैक्टिस में आता है, नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा प्रैक्टिस में आता है, ए की पावर 3/4 क्यूपी बराबर सी डी ए की पावर 3/4। ये कौन सा फार्मूला है? डिकेन 2/3 रेवीज मेथड में आता है, 2/3 रेवीज फार्मूला में आता है, RYBE रेवीज फार्मूला बोल रहे हैं, जो भी उच्चारण इसका बने। ये साउदर्न इंडिया में यूज होता है। एक क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, विच ऑफ द फार्मूला इज मोस्ट प्रैक्टिस इन द नॉर्दर्न इंडिया। नीचे फार्मूला है, डिकेंस फार्मूला, रेवीज फार्मूला और मेयर्स फार्मूला, ऐसे 4 फार्मूले दिए हुए हैं। तो याद रखिएगा कि डिकेन इज इन नॉर्दर्न एंड रेवीज इज इन यूज इन साउदर्न। फॉर ए स्टेडी आइडियल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लड द टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लड इज कॉन्स्टेंट। ये बात बर्नौली इक्वेशन के फंडामेंटल में कही जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन, इन द डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स डील्स विद। ये वाला आगे का हिस्सा हटा दो, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स डील्स विद ईएसएससी जेई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था टायर 1 में। इसका आंसर है, द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर अंडर द मैक्सिमम डिजाइन लोड ये डील करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर से डील करता है और मैक्सिमम डिजाइन लोड की कंडीशन में, करेक्ट ऑप्शन ये होगा। अगला क्वेश्चन है, टेक्सचर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज बेस्ड ऑन। टेक्सचर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बेस करता है ग्रेन साइज पे से। अगला क्वेश्चन है, सोल्यूशन ऑफ रेजिन और रेजिनियस सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन अल्कोहल टर्पेंटाइन और स्पिरिट इज कॉल्ड। ये वार्निश की डेफिनेशन है, करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बिहेवियर ऑफ स्टडी ऑफ सॉइल्स, बिहेवियर ऑफ स्टडी ऑफ सॉइल्स इन विच द जीरो एयर वाइड यूनिट वेट इज फाउंड। ये गेट से रिलेट करके क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्पैक्शन टेस्ट होगा। कॉम्पैक्शन टेस्ट में जीरो एयर वाइड लाइन हम मेजर करते हैं, समझते हैं उसके कॉन्सेप्ट को। अगला क्वेश्चन है, एज पर आईएस सॉइल क्वालिफिकेशन इफ द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ सॉइल सैंपल इज ग्रेटर देन, इफ द कोफिशिएंट ऑफ ए यूनिफॉर्मिटी ऑफ ए सॉइल सैंपल इज ग्रेटर देन 6 एंड द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर लाइज बिटवीन 1 and 3 द सॉइल इज क्लासिफाइड एज। अगर 6 से ज्यादा है और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से 3 के बीच है तो सॉइल बोली जाती है, क्या बोली जाती है? बोली जाती है आपकी वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड कौन हो जाएगी? SW। अगर इसी जगह लिखा होता ग्रेटर देन 4 और ये 1 से 3 ही रहता तो बोला जाता वेल ग्रेडेड ग्रेवल, तो GW आंसर हो जाता, तो GW आंसर हो जाता, ठीक है।
एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें सॉयल सैंपल का जो कोफिशियंट सीयू था उसकी वैल्यू 7.5 दे दी, सॉयल सैंपल का नाम नहीं दिया और पूछ दिया कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। एस डब्ल्यू और जी डब्ल्यू के बाद एक जगह लिख दिया एस डब्ल्यू एंड जी डब्ल्यू बोथ, टेक्निकली वो दोनों सही होंगे क्योंकि 4 से ज्यादा 7.5 है और 6 से ज्यादा 7.5। एग्जैक्ट डिफिनीशन लिखेंगे तो आप डिफ्रेंशिएट करके आंसर दे देंगे, अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन ना लिख के वो वैल्यू दे दे रहे हैं तो आप आसानी से आंसर नहीं कर पाएंगे, दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है दोनों कंसीडर करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ स्पीड रेशियो ऑफ पेंटन व्हील टर्बाइन वेरीज फ्रॉम, ये क्वेश्चन पिछले एक साल में कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया और रट गया होगा आपको। 0.43 to 0.48 ये स्पीड रेशियो की वैल्यू होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हीकल यूज इन मेकिंग पेंट, कौन सा व्हीकल पेंट में मेकिंग में यूज होता है, एल्युमिनियम पाउडर, जिंक व्हाइट, लिंसीड ऑयल, एंटीमनी व्हाइट, लिंसीड ऑयल, टंग ऑयल, पॉपी ऑयल, ये व्हीकल के तौर पे यूज होते हैं पेंट में, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, इफ द अमाउंट ऑफ एन्युइटी बिगिंस एट सम फ्यूचर डेट आफ्टर ए नंबर ऑफ ईयर्स इट इज नोन एज, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट एन्युइटी। परपेचुअल एन्युइटी वो होती है जिसमें हमें डेट पता ही नहीं होती, जैसे पेंशन है पता नहीं कब तक देनी पड़ेगी, जब तक जीवित रहेंगे जाहिर सी बात है, लेकिन कोई डेट तो नहीं निश्चित है इस दिन डेथ होगी, तो उसको परपेचुअल एन्युइटी बोलते हैं। कभी कभी पूछ देते हैं, जो पेंशन है वो कुछ टाइप की एन्युइटी को बिलोंग करती है, तो परपेचुअल एन्युइटी को एन्युइटी को बिलोंग करती है, यहाँ पे डिफॉल्ट एन्युइटी दी गई डेफिनेशन से हो। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माइनर लॉसेज इन पाइप फ्लो इज टेकन एज v²/2g, वी स्क्वायर बाई टू जी और के वी स्क्वायर बाई टू जी, ये एग्जिट और एंट्री के फार्मूले होते हैं। वी स्क्वायर बाई टू जी एग्जिट का फार्मूला होता है, अगर यही एंट्री का फार्मूला होता तो के वी स्क्वायर बाई टू जी होता, तो यहाँ पे एग्जिट का होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा, लॉस ऑफ हेड एट द एग्जिट ऑफ द पाइप। अगला क्वेश्चन है एज पर IS 456/2000 द डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर क्रीप एंड सिंकेज अकरिंग आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेज ऑफ आरसी स्ट्रक्चर शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड स्पान अपॉन 350 और 20 mm विच एवर इज लेस, अगर यहीं पे लिखा हो फाइनल डिफ्लेक्शन, शुरुआत फाइनल डिफ्लेक्शन से हो और अंदर ये यहाँ तक लाइन सेम हो, इसके बाद कुछ और डाटा मेंशन हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वगैरह की बात हो, तो आंसर सिर्फ स्पान बटे 250 होता है। दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, यहाँ पे इसका आंसर डी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इन प्लेन टेबल सर्वेइंग लेमन्स रूल आर एसोसिएटेड इथ, लेमन्स रूल जो एसोसिएट करते हैं तो 3-point problem मेथड ऑफ रिसेक्शन से रिलेट करता है लेमन रूल, इसे ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं, मेथड ऑफ रिसेक्शन बाई 3-point problem। ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने का मुझे कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा, इसलिए मैं बहुत डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट इन टिम्बर विच इज नॉट कॉज्ड बाई सीजनिंग ऑफ टिम्बर, अभी मैंने जो लोग जुड़े हैं टेलीग्राम से या नॉन पेड ग्रुप से टेलीग्राम में भी डाल देंगे, जिसमें हमने सीजनिंग ऑफ टिम्बर, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, अलग अलग रीजन्स जो हैं उसकी वजह से जो डिफेक्ट होते हैं उनको मेंशन किया है उसमें, तो ये स्प्लिटिंग, चेक्स, वारपेज, ये जो आते हैं सीजनिंग में आते हैं। रिंगाल जो है ये ड्यू टू नेचुरल फोर्सेज की वजह से ये डिफेक्ट अगर करता है तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा, और ये क्वेश्चन अपने आप में कई बार आया हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एज पर IS 456 द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर यूज फॉर मिक्सिंग एंड क्यूरिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट, अगर ये भाषा ना भी लिखी हो और पूछ दिया जाए पीएच वैल्यू ऑफ वाटर शैल नॉट बी लेस देन, तब भी आंसर 6 होगा, ये भाषा लिखी है तब भी आंसर 6 होगा, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन 6 होगा। हीराकुंड डैम उड़ीसा में महानदी रिवर पे बना हुआ है, तो आंसर डी पार्ट। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिलेंडरनेस लिमिट्स के केस में IS 456 के हिसाब से अनसपोर्टेड लेंथ एल और डी का जो रेशियो है वो कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो एल बाई डी कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, 60 से अधिक नहीं होना चाहिए IS कोड के हिसाब से, तो इसमें कोई लॉजिक का बात है ही नहीं, सीधे हमें हम डाटा रिमेम्बर रखना है, तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा। हाइड्रोलिक जंप में ऑसिलेटिंग जंप के करस्पॉन्डिंग पूछा है, हमने एक बार बताया था याद करने के लिए कि उबॉस करके आप याद कर लीजिए, उबॉस करके UWOSS, U से अंडुलर और 1 17 25 45 9, 1 से 1.7, वीक 1.7 से 2.5, ऑसिलेटिंग 2.5 से 4.5 और स्टेडी और स्ट्रांग 4.5 से 9, 9 से ज्यादा, तो यहाँ पे जो आएगा वो 2.5 से 4.5 करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन,
एंड अर्थ कर्वेचर इन लेवलिंग फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 250 to 500। इसमें सबसे पहले याद रखिए कि जो डिस्टेंस होगी किलोमीटर में होगी, तो 2.5 किलोमीटर हो जाएगा, 2.5 किलोमीटर हो जाएगा डिस्टेंस। इसके अलावा जो कर्वेचर की वजह से होती है आपकी करेक्शन होता है वो निगेटिव होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव होता है। दोनों को जोड़ दो तो -0.0673d² आता है। डी की वैल्यू 2.5 का होल स्क्वायर रख दो तो इसमें से ही कोई आंसर आपके सामने आ जाएगा, इसमें से ही कोई आंसर आपके सामने आ जाएगा और आंसर आएगा डी पार्ट, क्योंकि 673 है और डी स्क्वायर है 25 आम 625 होगा, 6×36 तो ये 42 के आसपास जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 6×7 है ये करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कनाल इज एनाइन रफली एट राइट एंगल्स टू द कंटूर्स ऑफ द कंट्री। तो ये SSC होता है, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं साइड स्लोप कनाल, ये जो है 90 डिग्री पे कंटूर्स ऑफ द कंट्री के अलाइंड रहे। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट फोर्सेज रिलेट्स स्ट्रेस इन द स्टील लीनियरली विद स्ट्रेस इन एडज्वाइनिंग कंट्री। तो ये ES/EC आप फार्मूला भी पढ़ते हैं मॉडुलर रेशियो का, इसके अलावा 288/3σ CVC भी फार्मूला होता है इसका, दोनों का यूज करके न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मॉडुलर रेशियो, इसे हम MR बोल सकते हैं, मॉडुलर रेशियो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये 31 क्वेश्चन थे, डिस्कस करने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा, यही अप्रोच से वहां अगर आप क्वेश्चन करेंगे, मैं ये मानता हूँ ये 20 मिनट में क्वेश्चन किए जा सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं कितना टाइम कंज्यूम हुआ ये वीडियो बनने में। तो ये 20 मिनट में अगर आप करते हैं तो आपके पास वहां एग्जाम में 100 मिनट बचेंगे 70 क्वेश्चन के लिए, 100 मिनट 70 क्वेश्चन के लिए बनेंगे, न्यूमेरिकल के लिए इजीली टाइम आपको मिल जाएगा। तो ये चीज अप्रोच रहती है। अब एक वीडियो और आएगा जिसमें बचे हुए सारे क्वेश्चन हम कंबाइन कर देंगे, इसके बाद आपके सामने बिल्कुल एग्जैक्ट एनालिसिस रखेंगे कि किन किन चैप्टर से जैसे रीजन आया है, किन किन चैप्टर से स्टेटमेंट आया है, किन किन चैप्टर से बेसिक क्वेश्चन आए हैं, किन किन चैप्टर से न्यूमेरिकल आया है, कौन कौन से चैप्टर इस वर्ष इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जब तैयारी की जाती है तो खासकर उस समय तैयारी जब जस्ट पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, जैसे UPSC ने पैटर्न चेंज किया था, ITJEE ने पैटर्न चेंज किया, तो उसके शुरुआत के 1-2 साल बहुत ज्यादा वेरिएशन और वैसी चीजें नहीं रहती है, तो बहुत संभल के उसको पेपर को तैयारी करनी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम चैनल मैजिकल तैयारी ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई क्वेरी है, कोई बैच ज्वाइन करना है तो 9044 9044 50 46 75 पर आप संपर्क कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।